सो मैं जस्ट अभी टंकी देख के निकला हूँ और मतलब मजा आ गया यार। मैं घर जाने से पहले तुम लोगों को रिव्यू दे दूंगा। तो मैं पहले बता दूँ, ये ऐसी मासी मूवी नहीं है, कॉमर्शियल मूवी ज़्यादा नहीं है, बट स्टोरी बहुत अच्छी है, करेक्टर्स बहुत प्यारे हैं, तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा फनी थी और थोड़े बहुत इमोशनल मूवमेंट्स भी थे और रियल लाइफ पे बेस्ड है, मतलब प्रॉपर रियल लाइफ बेस्ड पे नहीं है, बट कुछ स्टोरीज हैं जो कि रियल लाइफ से हैं। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता वरना लोग मुझे बहुत गालियाँ देने वाले हैं, और सही बात भी देनी भी चाहिए। और मैं रास्ता भटक गया, मुझे घर कैसे जाना है मुझे नहीं पता यहाँ से। जो भी था जैसा भी था, आई रियली एंजॉयड द फिल्म। मतलब फैमिली के साथ देखने जा सकते हो, बच्चों को यार मत लेके आया करो, बहुत चैंप है। एक बच्चे ने तो दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। और मैं अभी बैंड्रा में पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस एरिया में मैं पहली बार आया हूँ और मैंने फर्स्ट शो देखा है आज पहली बार अपने लाइफ में। और ये फिल्म अगर हिट नहीं जा रही तो मैं समझ जाऊँगा कि ऑडियंस को एनिमल जैसी फिल्म चाहिए, ऐसी मूवीज चाहिए जिसमें आड़े तेड़े करेक्टर हों, क्योंकि ये फिल्म बहुत प्यारी थी यार, इसको देखना तो बनता है यार। मुझे लगता है इसका प्रमोशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि SRK शायद एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक कॉमर्शियल फिल्म फिर एक प्यारी सी फिल्म। तो मैं भी जस्ट घर भी वापस आ रहा था, बट मेरा एक दोस्त बना थिएटर में जो SRK का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो उसने मुझे बताया कि वो मन्नत जाने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ मन्नत भी होके आऊँ, थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म है यार। सो अगर तुम लोगों को मन्नत वाली वीडियो देखनी है तो फिर सब्सक्राइब करो यार।